इंटेक्स प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन आज का टॉपिक है बच्चों, और इससे पहले कुछ प्रॉब्लम को सोल्व किए थे, आज बचा हुआ है 2.4 एंड 2.5। तो बच्चों लिखा जाए 2.4 प्रॉब्लम नंबर है ना, बहुत ही आसान है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों NH2CONH2 है ना। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 केजी ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, है ना। कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास पूछ रहा है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 केजी ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, जबकि एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है। तो बच्चों हम लोग यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2.5 केजी, है ना, दिया हुआ। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 2.5 इंटू 1000 करेंगे इज इक्वल टू 2500 ग्राम, है ना। अब बच्चों यहां दिया हुआ है मोलेलिटी 0.25, तो कहता है कि इस मोलेलिटी से हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया का निकाल लेते हैं। इससे पहले मोलर मास या मोलेकुलर वेट भी आप बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ यूरिया का निकाल लेते हैं, यानी हो जाएगा नाइट्रोजन का होता है 14 और 2 नाइट्रोजन है यानी 28 प्लस हाइड्रोजन 2 4 है, और एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है 4 हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16, यानी टोटल हो जाएगा 16 और टोटल हो जाएगा 60, है ना, यही आ गया। अब यहां मोलेलिटी का फॉर्मूला देंगे W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई A इंटू B। A जो है बच्चों इंडिकेट करता है मोलेकुलर वेट, है ना, जो सॉल्यूट रहेगा उसका मोलेकुलर वेट। B है वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको आप n भी बोल सकते हैं, यानी m हो जाएगा m इज इक्वल टू n इनटू 1000 डिवाइडेड बाई b, है ना। अब यहां क्या करेंगे, m तो दिया हुआ है आपका, तो यहां लिखेंगे 0.25 इज इक्वल टू n इनटू 1000, और मान लिया सॉल्वेंट का वेट है 1000, कैंसिल हो जाएगा, n बराबर आपका आ गया 0.25, है ना। और n जब 0.25 आ गया तो n बराबर होता है क्या W बाई A, m भी दे सकते हैं, है ना, 0.25 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास निकाले हैं 60, इसलिए W इज इक्वल टू 0.25 इंटू 60 इज इक्वल टू 15 ग्राम आ गया सॉल्यूट का वेट, है ना। अब यहां दिया हुआ है सॉल्यूशन का वेट और यहां दिया हुआ है सॉल्यूट का वेट, तो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, यानी 250 माइनस 15 इज इक्वल टू 2485 ग्राम। अरे अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा,
जब सॉल्वेंट 1000 ग्राम था तो सॉल्यूट कितना आया 15 ग्राम, जब सॉल्वेंट इतना ग्राम है तो सॉल्यूट है ना, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट है 15 ग्राम। इसलिए अगर 2485 ग्राम सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा 15 × 2485 / 1000 = 37.5 ग्राम। यही बच्चों आपका आंसर आया, बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.5 है ना, इससे भी आसान है, सिर्फ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेशन तो बच्चों करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। 2.5 कैलकुलेट ए, इसमें तीन प्रॉब्लम दिया हुआ है, मोलेलिटी, मोले ग्राम पर एम एल है ना, यही है बच्चों आपका प्रॉब्लम। इसमें तीन चीज पूछ रहा है, मोलेलिटी पूछ रहा है, मोलेरिटी पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, किसका, पोटासियम आयोडाइड। दिया हुआ क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस केआई इज इतना। अब बच्चों यहां हम लोग ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है टोटल 100 ग्राम है ना, इसमें कहता है मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 20 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 80 ग्राम, ए दिया हुआ। तो कहता ए तो आसान है बिल्कुल है ना, ए मोलेलिटी है ना, मोलेलिटी बराबर होता है डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ए इंटू बी है ना। अब यहां करेंगे डब्ल्यू दिया हुआ है 20 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ए, ए मोलेकुलर मास होता है बच्चों, यहां लिख लीजिए मोलर मास, मोलर मास ऑफ के आई, पोटासियम का एटॉमिक वेट 39, आयोडीन का 127 = 166 है ना, 166 आ गया है ना, यहां लिख देते हैं 166 इंटू 80 है ना। अब इसको बच्चों डिवाइड करना है ना, 20 चौका 80 तो कट गया, 25 चौका 1000 2500, यानी 20 कट गया A4 से, कटेगा 250, यानी 250 बटे 166 डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 1.5 एम। चलिए एक का आंसर तो आपका क्लियर हो गया। अब है बी है ना, बी, बी में मोलेरिटी पूछ रहा है, यानी मोलेरिटी का फॉर्मूला आपका होता है डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम इंटू बी है ना। अब बच्चों यहां ध्यान देंगे, वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, वॉल्यूम की जगह पर डेंसिटी दिया हुआ है ना, और यहां लिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां लिखेंगे ना डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होगा, इसलिए वॉल्यूम बराबर वी बराबर क्या होगा एम बाई डी है ना। एम दिया हुआ है 100 ग्राम और डेंसिटी 1.202, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 83.2 ml आएगा, इसमें बैठा देना है, यानी
यहाँ हो गया W दिया हुआ है कितना 20 गुने 1000 डिवाइडेड बाई मास 166 और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है बच्चों अभी तुरंत निकाले हैं 83.2। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1.45 कैपिटल एम यही आएगा या मोल पर लीटर है ना। अब रहा बच्चों मोल फ्रैक्शन सी है ना, इसको ऐसे कर दीजिए आसानी से सॉल्व होगा। सी बच्चों मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है के आई का, पोटासियम आयोडाइड का है ना। तो सबसे पहले हम लोग एन निकाल लेते हैं, एन इज इक्वल टू डब्लू बाई एम है ना, एन सॉल्यूट यानी के आई का है ना, और के आई का वेट दिया हुआ है बच्चों 20 ग्राम 20 और मोलिकुलर मास हम लोग निकाले हैं 166 यानी इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1। अब निकाल लेते हैं एन कैपिटल एन यानी सॉल्वेंट का डब्लू बाई एम और W वेट दिया हुआ है बच्चों सॉल्वेंट का 80 ग्राम, सारा चीज पहले लिखा हुआ है 80 और मोलर मास होता है H2O का 18 H2O है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है 2 को है, ऑक्सीजन का 16 2 18 है ना, इसको कटेंगे तो आ जाएगा 4.44 यानी टोटल मोल, टोटल मोल क्या आ जाएगा 0.12 प्लस 4.44 इज इक्वल टू 4.56 है ना टोटल मोल। अब बच्चों हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, तो के आई है बटे टोटल का योगफल यानी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई है ने, यानी के आई का है 0.12 और टोटल है 4.56, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.026। यही तो आपका आंसर हुआ बच्चों। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।